हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो हम बात करेंगे PSB कॉइन एंड फिनिक्स ग्लोबल कॉइन के अपडेटेड लेवल्स की, प्राइस मूवमेंट की। करेंटली कॉइन 76 सेंट से ऊपर ट्रेड कर रहा है और प्रीवियस ब्रेकआउट के बाद से इसमें लगातार हमें डंप देखने को मिल रहा है और रेगुलर हम आपको इसके अपडेटेड लेवल्स के वीडियो शेयर कर रहे हैं, आपको रेगुलर बेसिस पर गाइड कर रहे हैं। करेंटली कॉइन 76 सेंट से ऊपर ट्रेड कर रहा है। 20 सितंबर को भी हमने आपको वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने लेवल्स बताए थे कि आपको क्या डिसाइड करना है, किस टाइप से आपको ट्रेड करना है और जो FOMC की मीटिंग होनी है वहाँ तक वेट अगर कर सकते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो वो वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा वो भी जाकर देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि मैंने जो लेवल्स बताए थे ऑलमोस्ट उसी लेवल पर ये कॉइन ट्रेड कर रहा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता प्रेडिक्शन है, मार्केट आपको पता है कि किस टाइप से रिएक्ट करता है। तो ओवरऑल इस वीडियो हम बात करेंगे क्या इसका नेक्स्ट मूव रहेगा, आपको कहाँ पर एंट्री लेनी है, जो नए इन्वेस्टर है उनको कहाँ पर एंट्री लेनी है, जिन लोगों ने प्रीवियसली प्रॉफिट अर्न नहीं किया है, प्रॉफिट मिस किया है, वो अगर इस कॉइन में प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो उनके टारगेट्स क्या रहेंगे, जिन लोगों ने ऊपर की तरफ बाय करके रखा है उन लोगों ने होल्ड भी किया है और वो वेट कर रहे हैं कि ये कॉइन पंप करे और मेरे अपडेट्स का भी वेट करें क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स डेली बेसिस पर आते हैं। तो थोड़ा सा मैंने कल वीडियो शेयर नहीं किया क्योंकि कल डिसाइड नहीं हो सकता था कि क्या चीज़ें देखने को मिलेगी मार्केट जब FOMC की मीटिंग का रिजल्ट आया, उसके बाद मार्केट पर उसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला क्योंकि वो पहले ही न्यूज डाइजेस्ट हो गई थी। ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। करेंटली कॉइन 0.766 पर ट्रेड कर रहा है। 70 सेंट वाला एरिया इसने यहाँ पर नाइट के टाइम में ट्राई किया था जब मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल था। बिटकॉइन ने भी एक जो FOMC का न्यूज़ निकल के आनी थी, इंटरेस्ट रेट की जो न्यूज़ है, उससे जस्ट पहले एक सडन डंप देखने को मिला, फिर सडन पंप देखने को मिला। तो उसी टाइम पे इसने भी 70 सेंट वाला एरिया ट्राई किया था और फिर ऊपर पंप किया। डेली का चार्ट ओपन करते हैं तो यहां पर इसने आज की जो क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट 71-72 सेंट के अराउंड में की है। जो प्रीवियस मैंने आपको वीडियो शेयर किया था उस टाइम पे ये कॉइन ऑलमोस्ट 1 USDT से नीचे ट्रेड कर रहा था। मैंने आपको बताया था कि जो लोग करेंटली एंट्री देख रहे हैं उस टाइम पर 20 सितंबर को एंट्री देख रहे हैं वो 95 सेंट से लेकर के 85 सेंट के बीच में एक्युमुलेट करें, वहां पर बाय करें, लेकिन वो रिस्की रहेगा। आप बहुत अच्छी एंट्री अगर चाहते हैं, एक अच्छे एरिया पर एंट्री चाहते हैं तो FOMC की मीटिंग का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा और उस टाइम में ये कॉइन हो सकता है कि 85 सेंट से लेकर के 80 सेंट या 75 सेंट भी चला जाए। और अगर आप करेंटली प्राइस देखेंगे तो 77 सेंट पर ये कॉइन ट्रेड कर रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट वही चीज़ें देखने को मिली जब 20 सितंबर को FOMC की मीटिंग का रिजल्ट निकल के आए, एक्सपेक्टेड रिजल्ट की 75 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा, तो उस टाइम पर सडन डंप देखने को मिला मार्केट में वो और उसको उसने एक दिन में डाइजेस्ट कर लिया मार्केट ने। और अभी जो कल न्यूज़ निकल के आया उसका कोई इम्पेक्ट मार्केट पे बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला। बिटकॉइन ने 18,100 वाला लो बनाया था, जो प्रीवियस जो लो है उसको उसने मेंटेन करा, उससे नीचे नहीं गया और 18,000 का अपना जो सपोर्ट लेवल है डेली के अंदर उसको भी बिटकॉइन ने मेंटेन किया। अब करेंटली जो इस कॉइन में एंट्री देख रहे हैं अच्छे लेवल पर ये कॉइन आ गया है। जो लोग कह रहे थे कि सर एंट्री ले ले कहाँ पर एंट्री लेनी, कहाँ पर एंट्री लेनी, अब फाइनली FOMC की मीटिंग का रिजल्ट आ गया है, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, अब कोई बहुत ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है मार्केट के अंदर जिसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर करेंटली ये कॉइन 77 सेंट पर ट्रेड कर रहा है, इस एरिया पर आप इस कॉइन में एंट्री ले सकते हैं, आपके लिए ऑलमोस्ट एक अच्छी एंट्री रहेगी। यहाँ से भी थोड़ा बहुत इसमें करेक्शन देखने को मिल सकता है, वॉल्यूम नहीं आता है तो पंप नहीं होगा, लेकिन अभी ये कॉइन जो है एक हाइप के अंदर है कि इसमें अच्छा वॉल्यूम जनरेट हो रहा, बहुत सारे जो इन्वेस्टर हैं वो इसको बाई करने के बारे में सोच रहे, बहुत सारे लोग बाई भी कर रहे हैं और हर एरिया पर बाइंग होती है। तो ओवरऑल इस कॉइन में अब जो लोग एक सेफ एंट्री देख रहे थे वो करेंट वाले एरिया पर इसमें बाय कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हो, क्योंकि अगर 2.55 वाले लेवल से देखें तो ऑलमोस्ट इसमें 60-70% का करेक्शन है। और जब भी किसी कॉइन के अंदर एक अच्छा हार्ड पंप होता है तो उसमें 70-80% का करेक्शन हो जाता है, तो वो लेवल एक अच्छा रहता है। अगर 70 सेंट या 65 सेंट तक और आ जाता है तो और अच्छा रहेगा, लेकिन करेंटली आप 75 सेंट पर एंट्री ले सकते हैं, फिर थोड़ा बहुत वेट करेंगे तो आपको 75 सेंट पर ये कॉइन मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको 75 सेंट पर फर्स्ट एंट्री लेनी है और एंट्री आपको 60% पार्ट से ही लेनी है, उससे ज़्यादा अमाउंट नहीं लगाना है।
और उसके बाद थोड़ा बहुत और करेक्शन होता है, जैसे एक दो दिन में और अगर मार्केट में पंप नहीं होता, BTC 18,019 के बीच में ही ट्रेड करता है, तो आप लोग इस कॉइन में भी थोड़ा और करेक्शन देखेंगे और ये कॉइन आपको 70 सेंट से नीचे भी सेकंड जो एरिया है उसमें मिल जाएगा। तो आपको 67 सेंट के अराउंड में, अगर 68 से 67 वाला लो बनाता है तो जो सेकंड पार्ट है 40% वाला, उससे वहां पर एंट्री लेनी। इस टाइप से आपकी दो पार्ट में एंट्री रहेगी। ये मैं ऑफिशियली आपको बता रहा हूँ ये वाली एंट्री। इससे पहले जो भी मैंने आपको बताया था वो आपके एनालिसिस बेसिस पे मैंने आपको बोला था कि मैं बिल्कुल एंट्री लेने के पक्ष में नहीं हूँ, एंट्री अवॉइड करें। 1 USDT से पहले किसी भी कंडीशन में आपको एंट्री नहीं लेनी है। जब इसकी प्राइस 1 USDT से नीचे जाएगी उसके बाद मैं आपको ऑफिशियली एंट्री शेयर कर दूंगा हर वीडियो में। PHB के मेरे चैनल पर कम से कम 8 से 10 वीडियो शेयर होंगे जिसमें मैंने रेगुलर आपको गाइड किया है। जब 2.5 वाला इसने हाई बनाया था उससे एक दिन पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि ये कॉइन कहां तक जा सकता है। फिर मैंने जो नेक्स्ट वीडियो शेयर किया था जब इसने 2.5 वाला हाई बनाया था उसके बाद मैंने आपको बोला था कि अब ये जो 2.5 वाला हाई है ये इसका ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई है 10 से 12 दिनों या 15 दिनों का। उसके बाद अगर नेक्स्ट पंप होता है तो वहाँ चला जाएगा, लेकिन 10-12 दिन के पहले ये कॉइन 2.5 से ऊपर नहीं जाएगा। और अगर आप देखें तो लगातार डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, यानी 2.5 को उसने सेकंड बार ट्राई नहीं किया। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो मैंने नेक्स्ट डे शेयर किया क्योंकि बहुत कमेंट आ रहे थे, सामने वहाँ बाय कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो मैंने आपको बताया था कि जिन लोगों ने 2 USDT पर या उसके अराउंड में बाय किया है वो आज प्राइस चली जाएगी, सेल आउट करेंगे। यहाँ पर दो बार इसने ट्राई किया था। अब आपने सेल आउट नहीं किया होगा तो वो आपकी एनालिसिस है कि आपको क्या आपने दिखा कि क्या आपको प्रॉफिट बुक करना है, क्या चीज़ें करनी है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली इस कॉइन के अंदर। उसके बाद भी हमने रेगुलर गाइड किया और रेगुलर आपको चीज़ें बताई, ऑफिशियली बताई, ऑफिशियली अपडेट दिया कि क्या क्या आपको करना है, सारी चीज़ें मैंने बताई। अब बहुत सारे लोग क्या है, वीडियो देख लेते हैं और उसको पूरा वीडियो नहीं देखते, अच्छे से चीज़ों को नहीं समझते हैं और पहले ही 1 मिनट का 2 मिनट का स्टार्टिंग में वीडियो देख लिया और बस खत्म, चलो बाय कर लेते हैं या सेल कर देते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं जल्दीबाजी में। तो वीडियो को पूरा देखें, रेगुलर जब मैं आपको वीडियो शेयर कर रहा हूँ रेगुलर अपडेट दे रहा हूँ तो उस चीज़ का ध्यान रखें। वेट करें, 1 दिन 2 दिन में मार्केट कहीं नहीं जा रहा, 4 दिन में मार्केट कहीं नहीं जा रहा, लेकिन अगर आप ऊपर की तरफ बाय कर लेंगे तो आपको रिकवरी का वेट हो सकता है 2 महीने 4 महीने 1 साल भी करना पड़े। जिन लोगों ने पिछले 8 महीने 9 महीने से जो वेट कर रहे हैं, 1 साल से वेट कर रहे हैं, कोई अगर आपके आसपास हो तो उससे पूछना उसके उसको पर्सनली क्या फील कर रहा है। तो ये सारी चीज़ आपको देखनी है। ऊपर की तरफ टारगेट्स की अगर बात करें तो 1.2 से लेके 1.4 USDT वाला रहेगा। 1.2 पर आप 50% और 1.4 पर आप बाकी 50% पार्ट सेल आउट करें। बाकी यहाँ पर बाय और सेल खुद के रिस्क, खुद के रिसर्च के हिसाब से करें। यहाँ पर हम कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है ताकि आपको ओवरऑल कॉइन से रिलेटेड नॉलेज हो सके। वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस टाइप के वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पर मिलते रहें। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम टेलीग्राम ट्विटर के लिंक है, उनको भी आप ज़रूर फॉलो कर लें ताकि इस टाइप के रेगुलर अपडेट्स आपको वहाँ पर भी मिलते रहें। थैंक यू।